क्या आप भी खेलना चाहते हैं कुछ ओपन वर्ल्ड गेम 100 MB के अंदर? जी हाँ दोस्तों, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। अगर आप खेलना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। भाई नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो पे। ये वीडियो काफी खास होने वाला है क्योंकि मैं आप लोगों के लिए आ चुका हूँ टॉप 10 ऐसे पीसी गेम जो 100 MB के आसपास है। एंड ये सभी गेम्स का ग्राफिक्स हाई क्वालिटी दोस्तों। एक स्ट्रिंग बात दोस्तों कि इनमें से काफी सारे गेम्स ओपन वर्ल्ड है। नहीं पता था तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना। और एक बात दोस्तों कि आपके प्यारे दोस्त ने या आपने स्क्रॉल करते करते इस वीडियो को देख लिया तो भाई एक लाइक एक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। तुम लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो तो दिल से बुरा लगता है यार, प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है रेवनफील्ड। एंड दोस्तों रेवनफील्ड एक फर्स्ट पर्सन शूटिंग ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है। गेम को डेवलप एंड पब्लिश किया गया है स्टील रेवन 7 के द्वारा। एंड बेसिकली इस गेम को रिलीज किया गया था 18 May 2017 को। साथ साथ मोड की बात करें तो भैया ये गेम आपके सिंगल प्लेयर भी आता है एंड मल्टीप्लेयर भी आता है, मतलब अपने फ्रेंड्स साथ खेल सकते हो। गेम की बात करें तो गेम आपकी पीसी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीका से उपलब्ध है। इसकी साइज की बात करें तो भैया गेम का साइज मात्र 60 MB है। सोचो यार, कभी आपने सोचा होगा कि 60 MB में भी कभी हम अपन पीसी गेम इस तरह का ग्राफिक्स क्वालिटी के साथ खेल सकते हैं? तो वेल्कि रेवनफील्ड की बात करें तो आपको बोर्ड देखने को मिल जाता है, टैंक देखने को मिल जाता है। इनफैक्ट इस गेम में आपको दो बड़े बड़े मैप देखने को मिल जाते हैं। इस गेम में आप हवाई जहाज भी उड़ा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, गेम काफी ओपी है, मतलब पूरा बैटलफील्ड सीरीज जैसा ये गेम आप बोल सकते हो। इसमें पूरा आपका बैटलफील्ड होता है। यहाँ पर आप एक सोल्जर का किरदार निभाते हो एंड अपने अपोनेंट वाले सोल्जर को यहाँ पर आपको डिस्ट्रॉय रहता है, उनके बेस को कैप्चर करना रहता है। तो बेसिकली इसी टाइप का गेम है दोस्तों। गेम का ग्राफिक्स क्वालिटी काफी ओपी एंड इस गेम का जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर रिवील कर देना चाहता हूँ। रैम की बात करें तो भैया 3 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 512 MB नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो भैया मात्र आपके पास डुअल कोर का प्रोसेसर होना चाहिए इस गेम को प्ले करने के लिए। स्पेस की बात करें तो भैया मात्र 300 MB के आसपास स्पेस खाली रखना। और मैं फिर बता दूं, गेम का साइज मात्र 60 MB है। इंस्टॉल करना है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाकर इंस्टॉल कर सकते हो। तो वेल गाइस, बढ़ते हैं हमारे सेकंड गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है स्नेकी बस। एंड दोस्तों स्नेकी बस एक आपका आर्केड गेम है, डेवलप एंड पब्लिश किया गया टॉप टॉप के द्वारा। एंड इस गेम को दोस्तों रिलीज किया गया May 2019 को। बेसिकली इस गेम में आप मल्टीप्लेयर भी खेल सकते हो एंड सिंगल प्लेयर भी खेल सकते हो। गेम की बात करें तो भैया गेम के नाम से ही आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो, स्नेकी मतलब एक बस ड्राइवर रहते हो। एंड सिंपली आप जितने पैसेंजर को लेते जाओगे उतना आपके बस का साइज जो है कि इंक्रीज होते जाएगा, मतलब स्नेक टाइप का, ठीक है। एंड बेसिकली आपको उस डेस्टिनेशन में उसे ड्रॉप करना रहता है एंड फिर से उनको पिकअप करना रहता है। एंड मल्टीप्लेयर में तो भाई काफ़ी मज़ा यहाँ पर आता है क्योंकि और भी लोग आ जाते हैं। बस के ऊपर वेपन्स भी यहाँ पर आप सेट कर सकते हो जैसे जैसे आपका लेवल अप होते जाएगा। एंड साथ ही साथ इस गेम में आपको ओपन वर्ल्ड व्यू का भी यहाँ पर एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। आपको टोटल 11 यूनिक मैप देखने को मिल जाते हैं एंड 5 टाइप के यहाँ अलग अलग टाइप के बसेस देखने को मिल जाएंगे। कि साइज की बात करें तो भैया 110 MB का ये गेम आता है, तो बहुत ही कम साइज में आपको इतना अच्छा गेम मिल रहा है दोस्तों एंड आपके लो एंड पीसी में आराम से चल जाएगा। तो इस गेम का जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर मैं रिवील कर देना चाहता हूँ। रैम की बात करें तो भैया मात्र 3 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो हो तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक। प्रोसेसर की बात करें तो भैया डुअल कोर में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो भैया मात्र 400 MB के आसपास स्पेस खाली रखना अपने पीसी या लैपटॉप इस गेम को इंस्टॉल करने के। इस गेम को इंस्टॉल करना चाहते तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वेल गाइस, बढ़ते हैं हमारे थर्ड गेम के ऊपर। जो हमारा थर्ड गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है GTA 3। एंड दोस्तों GTA 3 एक एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है जिसे डेवलप किया गया DMA डिजाइन के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया रॉकस्टार गेम्स के द्वारा। ये आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए भी आसान तरीका से गेम उपलब्ध हो जाता है। आप PlayStation 2, Xbox, Mac, Android, iOS एंड अपने PC प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीका से खेल सकते हो। इसलिए इस गेम को रिलीज किया गया था 22 अक्टूबर 2001 को। की बात करें तो भैया गेम सिंगल प्लेयर आता है। गेम की बात करें तो भैया ये गेम के बारे में मेरे को बताने का कोई भी जरूरत नहीं है, गेम आपने जरूर से खेला होगा। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट ये आता है कि भैया गेम थोड़ी ना भाई 100 MB में गेम मिलता, भाई गेम का साइज तो 800 MB, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। ये गेम का मात्र साइज मैं आपको बता रहा हूँ, इस गेम का जो सेटअप साइज है वो मात्र 97 MB है। जी हाँ दोस्तों, 100 MB भी बहुत दूर की बात है। 97 MB में इस गेम को आप अपने PC या लैपटॉप पर इंस्टॉल कर सकते हो।
बेसिकली इस गेम में आपको पूरा ओपन वर्ल्ड एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ इस गेम में आपको मिशंस कंप्लीट करने रहते हैं। ओपन वर्ल्ड गेम में करते हो, इस गेम में अब आप वो सभी चीज कर सकते हो। बेसिक जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर रिवील कर देना चाहता हूँ। रैम की बात करें तो भैया 1GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मात्र 56MB होना चाहिए, और प्रोसेसर की बात करें तो भैया ड्यूल कोर में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो भैया मात्र 1GB के आसपास स्पेस खाली रखना, एंड गेम की साइज की बात करें तो भैया गेम का साइज मात्र 97MB है। विश्वास नहीं हो रहा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, इंस्टॉल करो एंड प्ले करो। तो वेल गाइस बढ़ते हैं हमारे फोर्थ गेम के ऊपर। बल्कि जो हमारा फोर्थ गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है डेड बाय व्हील बैटल रॉयल। बाय व्हील बैटल रॉयल एक आर्केड गेम टाइप का, जहां डेवलप एंड पब्लिश किया गया है मोमियो की गेम्स के द्वारा। बेसिकली इस गेम को रिलीज किया गया था 15 अक्टूबर 2018 को। गेम की बात करें तो भैया गेम आपकी पीसी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीके से उपलब्ध। तो मोड की बात करें तो भैया यहाँ पर आप सिंगल प्लेयर भी खेल सकते हो एंड मल्टीप्लेयर भी खेल सकते हो। एंड इस गेम में बेसिकली आपको करना क्या रहता है, तो भाई गेम की बात करें तो गेम कार ड्राइव करते हो, हॉबी में आते हो, जहां पर आपको काफी सारे कार्स देखने को मिलेंगे एंड आपके जो ओपोनेंट्स कार रहेंगे उसे वहां पर उसे आपको डिस्ट्रॉय करना रहता है एंड लास्ट तक आपको यहां पर सर्वाइव करना रहता है। बेसिकली यही गेम है एंड यहां पर आपको दो मोड मिल जाते हैं, एक डे मोड मिल जाता है, एक नाइट मोड मिल जाता है। मैप की बात करें तो यहां पर आपको काफी सारे मैप्स देखने को मिल जाएंगे। गेम की साइज की बात करें तो भैया गेम का साइज मात्र 28MB है, एंड जिस हिसाब से आप यहां पर ग्राफिक्स क्वालिटी देख रहे हो तो भाई गेम का साइज काफी ओपी, आपको जरूर से इस गेम को एक बार ट्राई करना चाहिए। एंड दोस्तों गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो भैया रैम की बात करें तो मात्र 512MB होना चाहिए, पिकट्स की बात करें तो कोई नीड नहीं है, स्पेस की बात करें तो भैया मात्र 100MB के आसपास स्पेस खाली रखना अपने पीसी या लैपटॉप पे, और प्रोसेसर की बात करें तो भैया कोई भी पुराने प्रोसेसर में गेम आराम से चल जाएगा, कोई स्पेसिफाइड नीड नहीं है। अगर आप इस गेम को इंस्टॉल करना चाहते हो तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके इंस्टॉल कर सकते हो। तो वेल गाइस बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ गेम के ऊपर। वेल गाइस जो हमारा फिफ्थ गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है आफ्टरबर्न। आफ्टरबर्न की बात करें तो भैया आफ्टरबर्न एक एयरक्राफ्ट शूटिंग वीडियो गेम है। बेसिकली इस गेम को डेवलप एंड पब्लिश किया गया मॉर्फिड डेफ के द्वारा। इस गेम को रिलीज किया गया था 11 दिसंबर 2019 को। बेसिकली गेम की बात करें तो फाइटर प्लेन का पायलट का किरदार निभाते हो एंड रहता है वो अपने एनिमी के बेस में जाता है, उनके जो बेस रहते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको अपने जो एनिमीज के जो एरोप्लेन आएंगे, जो अदर जो एनिमी के फाइटर प्लेन आते हैं उन्हें भी आपको डिस्ट्रॉय करना रहता है। गेम की बात करें तो भैया गेम में आपको काफी अलग अलग टाइप के यहाँ पर आपको जेट प्लेन, फाइटर जेट प्लेन देखने को मिल जाते हैं। मैप की बात करें तो यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के मैप्स देखने को मिल जाएंगे। ग्राफिक क्वालिटी की बात करें तो भैया आप जैसे कि देख सकते हैं ग्राफिक क्वालिटी काफी ओपी है। एंड साथ ही साथ गेम की साइज की बात करें तो भैया मात्र 14MB का गेम है दोस्तों। कभी आप बिलीव करोगे 14MB में आपको इतना तगड़ा गेम देखने को मिल रहा है। सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो भैया यहाँ पर इस गेम की जो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर हम रिवील कर देना चाहता हूँ। रैम की बात करें तो भैया 1GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो इंटेल एचडी ग्राफिक कार्ड में गेम काफी आसानी तरीके से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो मात्र 100MB के आसपास स्पेस रखना, और प्रोसेसर की बात करें तो कोई भी प्रोसेसर पुराने प्रोसेसर में गेम चल जाएगा, कोई स्पेसिफाई प्रोसेसर यहाँ पर नीड नहीं है। तो वेल गाइस बढ़ते हैं हमारे सिक्स्थ गेम के ऊपर। सिक्स्थ गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है ज़ॉम्बी डर्बी 2। एंड दोस्तों ज़ॉम्बी डर्बी 2 एक आपका एक्शन एडवेंचर सर्वाइवल गेम। इस गेम को डेवलप एंड पब्लिश किया गया ब्राइन मीडिया के द्वारा, एंड बेसिकली इस गेम को रिलीज किया गया था 22 सितंबर 2016 को। बेसिकली ये गेम की मोड की बात करें तो आपको सिंगल प्लेयर मोड देखने को मिल जाता है, एंड ये गेम आपकी पीसी एंड एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से उपलब्ध है, आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो काफी आसान तरीके से। एंड दोस्तों गेम की बात करें तो इस गेम में बेसिकली आप एक कार चलाते हो एंड उस कार को लेकर आपको एक बाय रोड जाना पड़ता है। एंड जैसे ही दोस्तों बेसिकली इस गेम में जो आपको व्यूइंग एंगल मिलता है वो थोड़ा ओपन वर्ल्ड थोड़ा देखने को मिल जाता है, एंड जैसे जैसे वह आगे अपने डेस्टिनेशन में बढ़ते जाओगे तो आपको जॉम्बीज को मारना रहता है। इनफैक्ट यार अपने कार को आप अपग्रेड करके उसमें गन लगा सकते हो, काफी सारे यार देखो इंटरेस्टिंग कार्स में आपको देखने को मिल जाते हैं। इस गेम की साइज की बात करें तो भाई 96MB बस इस गेम का साइज है। सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर हम रिवील कर देना चाहता हूँ। रैम की बात करें तो भैया 2GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मात्र 512MB नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो भैया कोई भी प्रोसेसर में गेम आराम से चल जाएगा, पेंटियम का, डुअल कोर का, कोई भी प्रोसेसर में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो भैया 300MB के आसपास स्पेस ख्याल रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। गेम को इंस्टॉल करना है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके वहां से आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो वेल गाइस बढ़ते हैं हमारे सेवेंथ गेम के ऊपर। वेल गाइस जो हमारा सेवेंथ गेम निकल के आता है, गेम का नाम है बस ट्रैवल सिमुलेटर। एंड दोस्तों बस ट्रैवल सिमुलेटर एक ओपन वर्ल्ड सिमुलेटर गेम है, को डेवलप एंड पब्लिश किया गया है किशमिश गेम के द्वारा। एंड बेसिकली इस गेम को रिलीज किया गया था 4 दिसंबर 2019 को। ये गेम आपके पीसी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो।
गेम की मोड की बात करें तो भैया गेम अभी तक सिंगल प्लेयर में आता है, एंड गेम की बात करें तो यहाँ पर आपको पूरा ओपन वर्ल्ड सिटी देखने को मिल जाता है। इस गेम का मैप काफी बड़ा है। यहाँ पर आप एक बस ड्राइवर का किरदार निभाते हो एंड आपके पैसेंजर को अपने डेस्टिनेशन में यहाँ पर आपको ड्रॉप करना रहता है। यार काफी अमेजिंग गेम है। जैसे ही आप इस गेम को खेलोगे तो यहाँ पर आपको रियल ट्रैफिक देखने को मिलेगा। मतलब ये नहीं कि यार गेम का साइज इतना कम है तो अपने को ग्राफिक्स क्वालिटी डल, ऐसा कुछ नहीं। तो गेम का ग्राफिक्स काफी ओपी है एंड इस गेम को आप खेलोगे तो इतना मैं गारंटी देता हूँ इस गेम को आप खेल के बोर नहीं होगे। हाईली कंप्रेस्ड में प्रोवाइड आपको कर रहा हूँ इसलिए इसका साइज 110 MB। गेम का साइज मैंने आपको बता दिया। अब इस गेम का जो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर मैं रिवील कर देना चाहता हूँ। रैम की बात करें तो भैया 3 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मिनिमम 512 MB लीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें, अगर आप इस गेम को इंस्टॉल करना चाहते हो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके इंस्टॉल कर सकते हो। तो वेल गाइस बढ़ते हमारे 8 गेम निकल के आता है। उस गेम का नाम है रिपटाइड GP2 रेसिंग वीडियो गेम है। बेसिकली इस गेम को डेवलप पब्लिश किया गया वेक्टर यूनिट के द्वारा एंड इस गेम को रिलीज किया गया था 7 मार्च 2014 को। गेम की मोड की बात करें तो भैया गेम में आप सिंगल प्लेयर भी खेल सकते हो एंड मल्टीप्लेयर भी खेल सकते हो। PC एंड एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीके से उपलब्ध है। आप आराम से इस गेम को इंस्टॉल कर सकते हो। गेम की बात करें तो गेम में भैया आप टोटल रेसिंग करते हो। यहाँ पर आप एक आपको एक बोट मिलता है एंड इस बोट से आपको यहाँ पर रेसिंग करना रहता है। बेसिकली ये आपका टोटल रेसिंग गेम टाइप का, बट इस गेम में जो ग्राफिक्स क्वालिटी वो काफ़ी ओपी। इस गेम में आपको अलग अलग टाइप के मैप्स देखने को मिल जाते हैं एंड सच बताऊं तो इस गेम का मेरे को ना ग्राफिक्स काफ़ी औसम लगा। इसका साइज़ की बात करें तो भैया 70 MB का इस गेम का साइज़ है। मतलब 70 MB में आपको पूरा गेम का सेटअप मिल जाता है। रिक्वायरमेंट की बात करें तो भैया इस गेम का जो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ। रैम की बात करें तो भैया 2 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो हो तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक। स्पेस की बात करें तो भैया 250 MB स्पेस खाली रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। और प्रोसेसर की बात करें तो पेंटियम के कोई भी प्रोसेसर में गेम आराम से चल जाएगा। और अगर आपको इस गेम को इंस्टॉल करना है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके इंस्टॉल कर सकते हो। एंड वेल गाइस बढ़ते हमारे 9th गेम के ऊपर। नाइन्थ गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है अमंग अस। एंड दोस्तों इस गेम के बारे में मेरे से ज्यादा तो आप जानते होंगे। इस गेम को डेवलप एंड पब्लिश किया गया NS Loth के द्वारा एंड बेसिकली ये गेम आपका रिलीज किया गया 16 नवंबर 2018 को। की बात करें तो भैया आप इसे सिंगल प्लेयर भी खेल सकते हो, मल्टीप्लेयर भी खेल सकते हो। इसको ऑलमोस्ट सभी प्लेटफॉर्म में आसानी तरीके से खेल सकते हो। ये गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है। बल्कि अमंग अस एक एस्ट्रोनॉट टाइप का गेम रहता है जो की स्पेस में खेला जाता है, जहाँ पर आपकी एक टीम रहती है, उसमें क्रू मेंबर्स रहते हैं दोस्तों, उनके साथ आपको कुछ टास्क कंप्लीट करने रहते हैं। दोस्तों इन्हीं क्रू मेंबर्स में आपका एक छुपा हुआ कातिल रहता है। इस गेम में उस कातिल को हम इंपोस्टर बोलते हैं। बेसिकली इंपोस्टर का एक अपना ही अलग रोल प्ले वो करता है। वो बेसिकली क्या करता है कि जितने भी आपके क्रू मेंबर्स रहते हैं वो धीरे धीरे करके सबको मारता रहता है। आप किसी का वहां बॉडी देख लेते हो तो यार यहां पर आप रिपोर्ट करते हो या मीटिंग डिस्कशन बैठता है। कभी कभी क्या रहता है कि भाई जो कातिल नहीं रहता है भाई लोग उसको वोट कर देते हैं एंड वो बेचारा कातिल बन जाता है, वो गेम से लीव हो। इसकी बात करें तो मात्र 100 MB का गेम है दोस्तों। आप इसे स्टीम में आई थिंक अपने एपिक गेम में फ्री में क्लेम किया होगा, नहीं किया तो कोई बात नहीं, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके आप इंस्टॉल कर सकते हो। इनका जो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर रिवील कर देना चाहता हूँ। रैम की बात करें तो भैया मात्र 1 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड का कोई नीड नहीं है। स्पेस की बात करें तो 250 MB के आसपास स्पेस ख्याल रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। प्रोसेसर की बात करें तो भैया कोई भी पेंटियम का प्रोसेसर में गेम आराम से चल जाएगा, कोई इसका हाई स्पेसिफाइड सिस्टम रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस गेम को इंस्टॉल करना तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाकर इंस्टॉल कर सकते हो। तो वेल गाइस बढ़ते हैं हमारे लास्ट एंड 10th नंबर गेम। ओके तो वेल गाइस जो हमारा 10th गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है अनलिमिटेड स्पाइडरमैन। एंड दोस्तों अनलिमिटेड स्पाइडरमैन आपका एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है। इस गेम को डेवलप एंड पब्लिश किया गया गेम लूप के द्वारा। ये गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है। आप इसे iOS एंड्रॉइड अपने विंडोज प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीके से खेल सकती हो। गेम की रिलीज डेट की बात करें तो 10 सितंबर 2014 को इस गेम को रिलीज किया गया था। एंड ये तो भैया इस गेम में आप सिंगल प्लेयर खेल सकते हो। गेम की बात करें तो ये एक मिशन स्टोरी लाइन मिशन कंप्लीट गेम है दोस्तों। यहाँ पर आपको आप स्पाइडरमैन का किरदार निभाते हो एंड जो भी गौतम सिटी में अपने सिटी में जो भी क्राइम होता है उसको वो रोकता है एंड जो भी बदमाश रहते हैं उनको मारता पीटता है। साइज की बात करें तो ये गेम थोड़ा साइज अपना जो 100 MB का साइज उससे हट के जाता है। गेम का साइज दोस्तों 140 MB आपको यहाँ पड़ जाता है, बट ये 100 MB के अंदर ही आता है, मतलब 200 MB नहीं जा रहा है। तो इस गेम का जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर रिवील कर देना चाहता हूँ। रैम की बात करें तो भैया 256 MB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो कोई नीड नहीं है। प्रोसेसर की बात करें तो Pentium 3 में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो भैया मात्र
300 MB के आसपास स्पेस खाली रखना अपने पीसी या लैपटॉप इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। तो इस गेम को भी इंस्टॉल करना है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाकर इंस्टॉल कर लो। बस यही कुछ 10 गेम थे आपके पीसी या लैपटॉप के, जो कि आप 100 MB के अंदर डाउनलोड कर सकते हो। यार बताना मेरे को कि आप कौन सा गेम इंस्टॉल करने वाले हो, यार कौन सा इन टॉप 10 में से गेम आपको काफी पसंद है। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर क्या रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर करो यार, जिनके पास भाई ना डेटा है ना स्पेस है ना सिस्टम रिक्वायरमेंट है फिर भी वो गेम खेलना चाहते हैं, तो भाई सजेस्ट करो वीडियो को। और मिलता हूँ एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तो अपना ख्याल रखना और अपने परिवार का ख्याल रखना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।